मध्य प्रदेश की विदिशा जिले के शमशाबाद संघर्ष समिति के बाईपास निर्माण को लेकर शमशाबाद एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। संघर्ष समिति ने ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि शमशाबाद में मात्र एक मुख्य मार्ग है जो ट्रैफिक अधिक होने के कारण यहां पर अक्सर जाम लगा रहता है, जिससे शमशाबाद सही क्षेत्र के जन साधारण लोगों को आने जाने में तो परेशानी होती है, साथ ही मरीजों को अस्पताल आने पर विदिशा रेफर व साथ ही साथ मरीजों को इस रास्ते से होकर जाना पड़ता है, लेकिन जाम लगा होने के कारण मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ज्ञापन दिया गया है। शमशाबाद से बसंत सोनी की रिपोर्ट। संघर्ष समिति के तत्वाधान में शमशाबाद के बाईपास के निर्माण के लिए हमने यह ज्ञापन दिया है। एकमात्र रोड होने के कारण आए दिन जाम लगे रहते हैं और जाम के कारण कई मरीजों की यहाँ मौत भी हो गई है। इस कारण क्षेत्र की जनता जो है, शमशाबाद की जनता बाईपास के निर्माण के लिए हमेशा प्रयासरत थी, लेकिन किन्हीं लोगों ने अभी तक कोई मांग उठाई नहीं है। शमशाबाद संघर्ष समिति द्वारा ये मांग उठाई गई है और यदि मांग मानी नहीं गई तो 7/10/2020 को हम एक दिवसीय धरना देंगे। इसके बाद यदि मांग मानी नहीं गई तो 13/10/2020 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का हम आह्वान करेंगे और मैं स्वयं यहाँ पर बैठूंगा। इसके बाद जो भी लोग मेरे साथ इस कार्यक्रम में बैठना चाहेंगे तो बैठेंगे। मैं 13/10/2020 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठूंगा।